बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और कल की आपने मेरे आलू के पराठे की रेसिपी बहुत लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं। और कल मुझे एक कमेंट आया था रेसिपी पे कि निदा जाफिर बोल रही थी कि आपका कैमरा बहुत हिलता है, प्लीज़ इसको सही कर लें, आँखों में दर्द हो जाता है। तो बहुत बहुत माज़रत, आइंदा से मैं ख्याल रखूँगी। या असल में मेरे कुछ मोबाइल में इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन आपने कमेंट किया, मैं आइंदा ख्याल करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज मैं जिंगर बर्गर बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी दूँगी मैं आपको। आइए जिंगर बर्गर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किचन की तरफ आ चुके हैं। अब मैं जिंगर बर्गर की आपको रेसिपी देती हूँ। और ये मैं अपनी छोटी बहन की फरमाइश पर बना रही हूँ। उनको बहन दहा पसंद है जिंगर बर्गर, और इन्होंने मेरे से बोला, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज मैं आपको जिंगर बर्गर बना के खिलाती हूँ, बहुत पसंद है इनको। चले आइए बनाते हैं। इस तरह से मैंने मुर्गी के पीस कर लिए थे, ये देखो, इस तरह से ये मुर्गी के पीस करेंगे। कर लिए, तकरीबन मैंने 1 किलो चिकन लिए, इसको इतने बड़े बड़े काट लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सिरका, 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे। चिल्ली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, सोया सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने दर दर कूट लिया था, 2 टेबल स्पून है। अच्छा, मसालों में ये है, पीसी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं, पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून है गरम मसाला। ये मसाले हैं, सब जाएंगे इसमें। ये मैं रोस्ट जिंगर बर्गर बना रही ना, उसमें ये मैं कोटिंग करूँगी जिंगर बर्गर में। इसके अंदर मैंने मैदा लिया है, कॉर्नफ्लावर लिया है, और नमक डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून नमक है। और कुटी हुई मिर्चें हैं 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च है 1/2। थोड़ा सा ओरिगानो डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए कुकिंग करेंगे इसकी, इसको कॉर्नफ्लावर में डिप किया, ठीक है, फिर पानी में डाल दिया इसको, बस ये डाल के फौरन ही निकाल लिया पानी में। फिर दोबारा से कोटिंग करेंगे इसकी अच्छी तरह से, इसको ना इस तरह से दबा दबा के करें ताकि इसके क्रंच बने, इसको दबाएं, दबा दबा के करना है, क्रंच बनेंगे इसके अच्छी तरह। ये देखो इसके क्रंच बन रहे हैं, इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल अच्छा हो। ये देखें कितने अच्छे क्रंच बने हैं, दबा के इसको इस तरह से दबाएंगे पुडिंग को, और इसको फिर हल्के हाथों से ऐसे झाड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं क्रंच बने हैं इसके अंदर, ठीक है, झाड़ेंगे इस तरह। और फिर मैंने ऑयल गर्म पे रख दिया था, ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी ये, बिस्मिल्लाह रखूँ, ये देखें। अब दूसरी भी इसी तरह कर लेंगे, इसमें डिप करेंगे इसी तरह से, पानी में करेंगे, निकाल लेंगे पानी से, और फिर इसको अच्छी तरह से करेंगे। इस तरह से आप दबाएंगे तो क्रंच बनेंगे, ठीक है। ये देखें मैं ये कर रही हूँ, अभी से क्रंच बने इसमें, देखें अच्छी तरह हाथ से दबा दबा के
करेंगे, ये देखो तो झाड़ लें, फिर दोबारा से दबा के करें, फिर झाड़ तो छिलाना, ये देखो ये कैसे करें छिलाने इसके। फिर अब हम ऑयल में डाल देंगे, मैं बंद कर लूँगी। इधर ये वो तैयार हो रहे हैं लोग, और इधर ये मैं बंद कर लूँगी। पनों पे मायनीस लगाऊंगी, एक पे मायनीस लगाई है मैंने हल्की सी, और ये वाले हिस्से पे केचप। लगाया, अब ये मैं एक पीस उठा के इस पे रख दूंगी, रख दिया। ये देखिए फिर रख दिया उठा के, अब उसके ऊपर ये वन ऊपर मैंने माइनस लगा दी। अब उसके ऊपर हम एक टमाटर रख देंगे, एक खीरा रखेंगे। आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, मेरी फैमिली सलाद पत्थर नहीं खाती तो मैंने रखा नहीं, वैसे आप रख सकते हैं जो आपको पसंद हो सलाद में, ठीक है। हाँ, मेरी सिंगल अगर बनाए आप लोग घर में ट्राई करिए कैसे बने, अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो में हर रेसिपी आपको मिल सके। शुक्रिया बहुत बहुत।